अब हम इसमें कलर करेंगे। कलर करने के लिए सबसे पहले हम अपने पेंटिंग को लाइट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको लाइट कर लेंगे, हल्का सा हम इसको पूरी पेंटिंग को लाइट कर लेंगे। वाटर कलर करने के लिए मैंने कौन कौन से ब्रश यूज़ कर रखे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो मैंने राउंड ब्रश लिया है, 10 नंबर का लिया है मैंने, आप इसे कम का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फ्लैट ब्रश है, एक राउंड ब्रश लिया है मैंने, ये 10 नंबर का। ये फ्लैट ब्रश लिया है मैंने 6 नंबर का, आप इसे कम का भी यूज़ कर सकते हैं, 4 या 5 का भी ले सकते हैं। एक ये 1 नंबर का आउटलाइन करने के लिए 1 नंबर का ब्रश लिया है, और एक ही 4 नंबर का ब्रश लिया है, इसका भी यूज़ 4 ब्रश का यूज़ कर रही हूँ मैं। अब मैं आपको कलर करना बताती हूँ। दो कलर को मिक्स करके बनाएंगे, रेड ब्रश से हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे, बीच वाले इसको मिक्स हाफ हाफ करके फिर दोनों कलर को मिक्स कर देना है। फिर दूसरे वाले बॉक्स में करेंगे, इस तरह से। फिर दूसरे उसमें येलो का यूज करेंगे, दोनों को हाफ करके फिर फ्लैट ब्रश से इस दोनों को मिक्स कर देंगे, ताकि ये दोनों कलर एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम चारों फ्लावर के जितने भी लीव्स हैं उसको इस तरह से बनाएंगे। अब मैं लीव्स में कलर करना बताऊंगी। लीव्स में ओरिजिनल कलर ग्रीन, उसी को ही फिर मैं लाइट कर दूंगी। अब पानी का यूज करके इसको हल्का सा फैला लेंगे। ब्रश को बिल्कुल लाइट पकड़ना है, बिल्कुल टाइट नहीं। टाइट पकड़ने से इसके जो शीट की ऊपर से निकल जाते हैं रोए से, इस तरह से। इस तरह से हम सारे लीव्स को इस तरह से बना लेंगे। हमारी लीव्स तैयार है।
लिया है। अब मैं ब्लैक से कहीं कहीं इनकी आउटलाइन दिखाऊंगी। जहाँ मुझे लग रहा है मैं वहीं आउटलाइन दिखाऊंगी। आउटलाइन करके पूरा फ्लावर तैयार है हमारा। ये बहुत सिंपल तरीके से वाटर कलर का यूज़ करना बताया है मैंने। इसके अलावा तीन कलर की शेड्स आगे आने वाले फ्लावर्स वगैरह उनमें सब मैं बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।